माननीय अखिलेश जी यादव की तरह काफिला लेकर घूमता। मेरी एक गाड़ी थी, ड्राइवर था मेरा PSU। अत्यधिक जोर की बरसात हो रही थी, एक्सीलेटर तक गाड़ी पहुंची, मैं ऊपर उठकर चला गया, ड्राइवर गाड़ी लेकर फंसा गया। और ना तो प्लेटफार्म पर कोई गाड़ी गई थी, ना किसी को कठिनाई थी, बस एक्सीलेटर के माध्यम से हम ट्रेन पकड़कर तब ट्रेन पर चढ़कर आए हैं। हम माननीय अखिलेश यादव की तरह नहीं ऐसा कोई काम करते हैं जिस तरीके से उन्होंने ये ट्वीट किया है। हम लोग सामान्य स्तर पर चलते हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ, उसी तरीके से रहता हूँ। क्या माना जाए कि जिस जो लोग सोने की चम्मच मुंह में दे के पैदा होते हैं वो गरीब का दर्द नहीं जानते, वो सामान्य आदमी की पीड़ा नहीं समझते, क्योंकि वो सामान्य तरीके से ट्रेन में चले नहीं, वो हवाई जहाज से चलते हैं, उनके हेलीकॉप्टर भी हो सकते हैं, तो वो इसका दर्द नहीं जानेंगे। उन्हें तो यही ट्वीट करना ठीक लगा है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने ठीक नहीं कहा है। हम लोग सामान्य चलते हैं और ट्रेन से ही चलते हैं, तो काफिला लेकर नहीं चलते। उन्होंने ड्यूटी में बुलडोजर का नाम लिया, इससे क्या लगता है बुलडोजर को क्यों उन्होंने शामिल किया? मुझे लगता है कि बुलडोजर से वो घबरा गए हैं, क्योंकि जितने भी अपराधी हैं उनके चित्र उन अपराधियों के साथ पाए जाते हैं, इसलिए। और उन पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी गरीबों की जमीन जिन्होंने कब्जा कर उन पर अपने कब्जा कर बिल्डिंग खड़ी कर ली और उन बिल्डिंगों को बुलडोजर गिराने का काम कर रहा है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश उन जमीनों को गरीबों को आवंटित करके फ्री में उनके मकान बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर स्वप्न में भी दिखाई देता। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।